नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है Redmi ब्रांड का है, आप देख सकते हैं बैक साइड में ऊपर की तरफ Redmi की ब्रांडिंग है और दोस्तों मॉडल नंबर है Redmi 10। ध्यान से सुनिए, मॉडल नंबर है Redmi 10। ओके, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi 10 को अनलॉक करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी, सबसे सटीक तरीका। तो दोस्तों अगर आपके पास Redmi 10 है और आपके डिवाइस पे किसी भी टाइप का लॉक लगा हुआ है, जैसे कि पैटर्न लॉक, पिन लॉक या पासवर्ड लॉक, किसी भी टाइप का लॉक अगर आपके Redmi 10 में लगा हुआ है और आप डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे विदाउट पीसी, विदाउट लैपटॉप आप अपने Redmi 10 को अनलॉक कर पाएंगे, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक बहुत आसानी से रिमूव कर पाएंगे। ओके, तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पैटर्न लॉक है। अब दोस्तों डिवाइस को अनलॉक करने से पहले हम आ जाते हैं डिवाइस के राइट साइड में। डिवाइस के राइट साइड में आते हैं दोस्तों, तो यहां पे आपको तीन बटन्स देखने को मिलती है। सबसे ऊपर की तरफ देखिए वॉल्यूम अप, उसके बाद वॉल्यूम डाउन और बिल्कुल नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पावर अनलॉक बटन देखने को मिलती है। ओके, अब दोस्तों इस डिवाइस को अनलॉक करने का जो मेथड है, सबसे पहले वो मेथड इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसके बाद ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ओके, तो आपको करना क्या है डिवाइस को अनलॉक करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसे पूरी तरह से पावर ऑफ करना होगा। ओके, और जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से पावर ऑफ हो जाए तो ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। आपको सिंपली करना ये है दोस्तों कि यहाँ राइट साइड में ये जो वॉल्यूम अप वाली बटन देख रहे हैं और पावर बटन, ध्यान से सुनिएगा, ये जो वॉल्यूम अप वाली बटन है और पावर बटन, आपको करना क्या है कि इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। ओके, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो आपकी डिवाइस ऑन होगी और आपके डिस्प्ले पे मी का लोगो दिखेगा। ओके, जैसे ही डिवाइस ऑन होगी और मी का लोगो दिखेगा, आप तुरंत इन दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे। ओके, और कुछ सेकंड वेट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस Redmi 10 पूरी तरह से रिकवरी मोड पे एक्टिव हो जाएगी। ओके, मुझे उम्मीद है मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो यहां दोस्तों आपने देखा डिवाइस हमारी पूरी तरह से पैटर्न लॉक है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको डिवाइस को पूरी तरह से पावर ऑफ करना है, तो आप सिंपल यहां पावर बटन को प्रेस करें और सबसे पहले डिवाइस को पूरी तरह से पावर ऑफ कर लें। तो मैं सिंपली यहां से डिवाइस को पावर ऑफ कर लेता हूं। ओके, डिवाइस हमारी पावर ऑफ हो गई। और अब इधर आते हैं डिवाइस के राइट साइड में। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि वॉल्यूम अप और पावर बटन, इन दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करके रखना है, ठीक है। जैसे ही डिवाइस ऑन होगी मी का लोगो दिखेगा, आप तुरंत इन दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे। ओके, अब चलिए ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये रहा वॉल्यूम अप और ये रहा पावर बटन। मैं क्या करता हूं, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूं। कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे, अभी देखिएगा मी का लोगो दिखेगा। ये देखिए मी का लोगो दिखा, हम तुरंत इन दोनों बटन से अपनी फिंगर हटा लेंगे। ओके, और कुछ सेकंड वेट करेंगे दोस्तों, तो फाइनली आप देख सकते हैं डिवाइस हमारी टोटली रिकवरी मोड पे एक्टिव हो गई। ओके, ऊपर की तरफ ध्यान से देखेंगे तो लिखा है मेन मेन्यू MIUI रिकवरी 5.0। ओके, डिवाइस टोटली हमारी रिकवरी मोड पे एक्टिव हो चुकी है और रिकवरी के ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न, पिन और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है वाइप डेटा का, सेकंड नंबर पे देखिए वाइप डेटा का ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपली जाना होगा वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे। तो बहुत आसान है, आप सिंपल यहाँ वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करिए और आप चले आएंगे वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं वाइप डेटा वाले ऑप्शन पे। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको ओके करना होगा और ओके करने के लिए आप पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे। तो चलिए हम पावर बटन को यहां एक बार प्रेस करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो ऊपर की तरफ लिख के आ रहा वाइप डेटा और नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। ओके, बैक टू मेन मेन्यू और वाइप ऑल डेटा। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पे, यानी कि वाइप ऑल डेटा वाले ऑप्शन पे। तो बहुत आसान है, आप सिंपल यहाँ वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करिए और आप चले आएंगे वाइप ऑल डेटा वाले ऑप्शन पे। ओके, हम आ चुके हैं वाइप ऑल डेटा वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपको ओके करना होगा। ओके, और ओके करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पावर बटन को प्रेस करना होगा। ओके, तो चलिए हम सिंपल यहाँ पावर बटन को एक बार प्रेस करते हैं। जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ रेड कलर का लिख के आ रहा है कंफर्म वाइप ऑफ ऑल डेटा।
ओके। और नीचे की तरफ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कैंसल और कंफर्म, ओके। आपको करना क्या है, आपको फिर से जाना है लास्ट वाले ऑप्शन पे, यानी कि कंफर्म पे। तो बहुत आसान है, आप सिंपल यहाँ वॉल्यूम डाउन वाली बटन को एक बार प्रेस करिए और आप चले आएंगे कंफर्म वाले ऑप्शन पे, ओके। ये देखिए हम आ चुके हैं कंफर्म पे। कंफर्म पे आने के बाद आपको ओके करना होगा, और ओके करने के लिए आपको पता है कि आपको सिंपल पावर बटन को प्रेस करना होगा। लेकिन एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, आप यहां कंफर्म पे आने के बाद ओके करने के लिए जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस का अनलॉकिंग प्रोसेस यहां स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ही सेकंड में आपकी डिवाइस अनलॉक भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपके डिवाइस का सारा डेटा यहां डिलीट हो जाएगा। अगर आपने डिवाइस में कोई भी डेटा रखा हुआ है, जैसे कि म्यूजिक, कॉन्टेक्ट, इमेज या वीडियो, तो वो सारा का सारा डेटा यहां डिलीट हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, डेटा बचाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता तो इस वीडियो में मैं आपसे जरूर शेयर करता, ओके। तो चूंकि दोस्तों हमें डिवाइस को अनलॉक करना है, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक ब्रेक करना है, इसलिए हमें यहाँ पे ओके करना होगा। और ओके करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पावर बटन को प्रेस करना होगा। तो चलिए मैं पावर बटन को यहाँ प्रेस करता हूँ, और ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस हुआ, लेकिन बहुत फास्ट हुआ, ओके। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपके डिवाइस में डेटा कितना है। अगर आपके डिवाइस में डेटा ज्यादा रहेगा तो यहाँ प्रोसेस बहुत स्लो होगा, अगर डिवाइस में डेटा कम है तो बहुत फास्ट होगा, ओके। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, फाइनली आपको ये इंटरफेस शो करेगा। यहाँ ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का लिख के आ गया, डेटा वाइप्ड सक्सेसफुली, यानी कि अब आपके डिवाइस का डेटा वाइप सक्सेसफुली हो चुका है, डिवाइस आपकी अनलॉक हो चुकी है, ओके। अब देखिए आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ ऊपर की तरफ लिखा है बैक टू मेन मेन्यू, यानी कि अब आपके डिवाइस का डेटा वाइप कंप्लीट हो गया, अब आप मेन मेन्यू में बैक जाइए, ओके। मेन मेन्यू का मतलब आपको जाना है रिकवरी मोड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो बैक जाने के लिए आप सिंपल पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे, ओके। ये देखिए हम मेन मेन्यू में बैक आ चुके हैं, ऊपर की तरफ लिखा है मेन मेन्यू, ओके। अब देखिए दोस्तों हमारे डिवाइस का डेटा वाइप कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमें करना क्या है, डिवाइस को रिबूट करना है। ऊपर की तरफ सबसे पहला ऑप्शन रिबूट का है, ठीक है। तो डिवाइस को रिबूट करने के लिए आप यहां सिंपल पावर बटन को दो बार लगातार प्रेस करेंगे तो आपकी डिवाइस रिबूट हो जाएगी, ओके। तो चलिए मैं पावर बटन को पहले एक बार प्रेस करता हूं। अब ये देखिए रिबूट टू सिस्टम, पावर बटन को मैं एक बार और प्रेस करूंगा, ओके। और जैसे ही दो बार पावर बटन को प्रेस करेंगे तो फाइनली आप देख सकते हैं आपकी डिवाइस Redmi 10 पूरी तरह से यहां रिबूट हो जाएगी। डिवाइस हमारी रिबूट हो गई, और अब आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए, चालू होने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आपकी डिवाइस Redmi 10 रिबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव होगी तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा, और आपकी डिवाइस Redmi 10 पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ Redmi 10 को अनलॉक करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक रिमूव करने का सबसे इजी, सबसे सटीक तरीका। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपनी Redmi 10 को अनलॉक कर पाएंगे, डिवाइस का पैटर्न लॉक, पिन लॉक और पासवर्ड लॉक बहुत आसानी से घर बैठे बैठे विदाउट पीसी, विदाउट लैपटॉप, बिल्कुल फ्री में रिमूव कर पाएंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये जो मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं हार्ड रीसेट, और जब भी आप डिवाइस को हार्ड रीसेट करके अनलॉक करते हैं तो डिवाइस एक्टिव होने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आपको यहाँ पे वेट करना होगा नियर अबाउट 2 से 3 मिनट तक, उसके बाद आपकी डिवाइस पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। दोस्तों आप अपने सवाल और प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं, आप अपने सवाल और प्रॉब्लम मुझसे शेयर करने के लिए आप हमारे YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम टाइप करिए, मुझसे शेयर करिए, मैं जल्द से जल्द आपको बेहतर से बेहतर सलूशन देने की कोशिश करूंगा। और ये देखिए दोस्तों फाइनली नियर अबाउट हमने 2 से 3 मिनट वेट किया, डिवाइस हमारी रिबूट हुई, और आप देख सकते हैं डिवाइस रिबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। और आपको याद होगा दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि जब आपकी डिवाइस रिबूट होकर एक्टिव होगी तो आपके डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं करेगा। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है, ओके। चलिए मैं कंप्लीट सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ। तो सेटअप करते हैं, तो सेटअप करने के लिए सिंपल आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, ओके। यहां से आपको नेक्स्ट करना है, फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए,
यहाँ सेटिंग रीजन, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना होगा। ओके, यहाँ देखिए ऊपर की तरफ ये बॉक्स है, तो आप सिंपल इस बॉक्स को चेक करिए, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करिए। ओके, यहाँ देखिए स्किप दिस स्टेप, तो आप इस पे क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करिए। ओके, यहाँ देखिए स्किप का ऑप्शन है, आप सिंपल स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ओके, यहाँ से आपको सिंपल मोर पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट करिए, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। और ये देखिए दोस्तों, सेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो अपने डिवाइस में फिर से पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फेस या फिंगर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैं इस ऑप्शन को स्किप करूंगा। यहाँ नीचे की तरफ देखिए स्किप का ऑप्शन है, मैं सिंपल स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं सिंपल नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट। ओके, एग्री, डोंट एग्री, आपको एग्री पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ से आप सिंपल नेक्स्ट करिए, और ये देखिए सेटअप कंप्लीट का ऑप्शन आ गया। यहाँ ये एरो है, सिंपल आप इस एरो पे क्लिक कर दें। लोडिंग एप्स, तो कुछ बाय डिफॉल्ट एप्स होते हैं जो कि लोडिंग होने में कुछ सेकंड यहाँ पे लगेगा, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी डिवाइस Redmi 10 पूरी तरह से अनलॉक हो जाएगी, पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। और ये देखे दोस्तों, लोडिंग एप्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, फाइनली हमारी डिवाइस Redmi 10 पूरी तरह से अनलॉक हो गई, पूरी तरह से एक्टिव हो गई। और दोस्तों आप देख सकते हैं अब डिस्प्ले पे पहले की तरह किसी भी टाइप का लॉक शो नहीं कर रहा है। फाइनली हमारी डिवाइस Redmi 10 पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज दोस्तों इस वीडियो के बारे में, इस ट्रिक के बारे में आप अपनी राय मुझसे जरूर शेयर करिएगा। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।